हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदुप्त मोटिवेशनल स्पीकर, और आज हम आपको बताएंगे कि अगर दो शब्द अपने लाइफ में आप बोलते हैं तो वो आपको जो आपके ड्रीम्स हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तो जानते हैं वो दो शब्द जो हमारे लाइफ में जो हम पाना चाहते हैं वो चीज़ें पाने से रोकते हैं। तो वो दो शब्द हैं काश, और दूसरा है मैं नहीं कर सकता। तो जब ये दो शब्द आप बोलते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में संदेश जाता है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है तो उसमें जो चीज़ें हमारे जाती हैं तो वही हमारे यानी कि आती हैं हमारे लाइफ में, वही चीज़ें हमको मिलती हैं। तो अगर वो दो चीज़ें अगर आप बोलते हैं तो आपको नहीं मिल पाएंगी। जैसे आपने कहा कि हमको यानी कि काश, जैसे आपने काश बोला कि काश मैं इस कार को खरीद लेता, काश मेरे पास ये कार होती, काश ये मेरे पास बंगला होता, काश मैं यहाँ घूमने जाता। तो इस प्रकार से जब आप काश शब्द का उपयोग करते हैं तो काश जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। काश का मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ को चाह रहे हैं कि मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, यानी आपको यकीन नहीं है कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस कार को खरीद पाऊँगा, काश का मतलब हुआ। और दूसरा कि मैं नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि आपको अपने ड्रीम्स पूरा करना है तो उसको जो है आप कहते हैं कि मैं इसको नहीं कर सकता। तो जब आप बोलते हैं कि इसको आप नहीं कर सकते तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती। जैसे मान लीजिए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो है आपने कोई बिजनेस चालू किया या कुछ करना चाहते हैं, कोई नई नौकरी किया या आप अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं और आप मन में सोचते हैं कि मैं इसको नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाती हैं और वो चीज़ आप नहीं कर पाते, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही चीज़ आपको सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है। तो इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं बोलना है जो आपको सपने से आपके दूर भेजती हैं। तो आज से दोस्तों और अभी से इन दो शब्दों के बजाय आपको बोलना है कि जैसे आपने बोला काश, तो काश की जगह आपको हमेशा बोलना है कि मुझे यकीन है। जब आप कोई चीज़ पाने के लिए कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, जैसे आपने कहा कि मुझे कार चाहिए, या मैं काश की जगह आप बोलते हैं कि आपका कोई ड्रीम से मान लीजिए कार खरीदना है, घर खरीदना है, प्लाट खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, बंगला खरीदना है, तो आप कहेंगे काश की जगह में कि मुझे यकीन है कि मैं ये बंगला खरीद लूँगा। और दूसरा है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, तो इसकी जगह आपके बोलना है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। तो जब आप इन चीज़ों को बोलते हैं तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और वो चीज़ें आपको मिलना चालू हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आपको उन चीज़ों को पाना है और कैसे आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से ये जानिए कि आपको ये बोलना है इन दो चीज़ों के बजाय। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और मेरे सभी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए, चाणक्य नीति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाइए। तो इस वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ मैं प्रयुक्ता, ओके, थैंक्स।